सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे पिंड ज्योमेट्री। पिंड ज्योमेट्री की परिभाषाएं वैसे तो आपने 9th क्लास में याद की होगी, फिर भी कुछ परिभाषाएं है जिनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पिंड, घनक्षेत्र, शुंडाकार, चतुष्फलक, शंकु, बेलन और गोला। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपने 10th क्लास में भी पढ़नी है, इनको रिमाइंड आपने करना है। बाकी परिभाषाएं तो वैसे बहुत बनती है, पर आप वो जो परिभाषा है वो तो सिर्फ आपकी घनक्षेत्र और शुंडाकार से रिलेटेड है। बाकी सारी जो परिभाषाएं हैं जैसे आपका आ सकता है वर्ग घनक्षेत्र है, पंचभुज घनक्षेत्र है, षटभुज घनक्षेत्र है, या फिर आपका त्रिभुज शुंडाकार है, वर्ग शुंडाकार है, पंचभुज शुंडाकार, कोई भी आकृति हो सकती है, वो इन दो परिभाषाओं, इन दो आकृतियों से आगे बनेगी, शुंडाकार से और घनक्षेत्र से। पर एक ध्यान रखना है, घनक्षेत्र अलग है, घन क्यूब अलग है, इनकी दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग है। तो आपने अच्छे से ये 5-7 डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करनी है, तभी आप जो है वो सॉलिड के प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न है उसको पूरा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का प्रश्न नंबर 16। एक समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के साथ बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती खड़ी है। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपने 9th में भी ये प्रश्न आपके पढ़े होंगे सॉलिड ज्योमेट्री के, तो 10th में भी वही प्रोसेस है, कुछ नया हमने नहीं करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ जो है वो हमने लेना है, हमारे को दी हुई है एक्स वाई लाइन, ये आपकी एक्स वाई लाइन है। ये आपकी एक्स वाई लाइन है। अब इसमें ये कह रहा है कि एक त्रिभुज शुंडाकार, तो शुंडाकार की आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है, मैंने आपको बता दिया है, और त्रिभुज शुंडाकार की डेफिनेशंस भी आप उसमें लर्न कर लेंगे। जब शुंडाकार की करेंगे त्रिभुज शुंडाकार की भी उसमें आपने करनी है। अब हमें यहाँ से जो है ये कह रहा है कि एक आपने 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो जब भी आप सॉलिड ज्योमेट्री बनाएंगे तो आपको सेट स्केल लेने बहुत ज़रूरी है, इनकी हेल्प लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें, जब हम मैंने आपको 10th क्लास में सेट स्केल वाले क्वेश्चन करवाए थे, पॉलीगॉन करवाए थे, जैसे ये हमारा छोटा सेट स्केल है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये 45 का है, ये भी 45 का है, और इसमें क्या कहा गया है कि 45 डिग्री का कोण बनाता है बाएं ओर से। हमने क्या करना है, यहाँ से जो है ना वो 45 डिग्री का कोण हमने बनाना है। कैसे हम यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं ये आपने देखना है। जैसे हमारा ये जो सेट स्केल है ये हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, मैंने एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले रखा है, और यहाँ से मैं 45 डिग्री का कोण सेट स्केयर से बना दूंगा। ये देखिए मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, और यहाँ मैं इसको आगे डॉटेड लगा देता हूँ, मैं इसको पूरा करता हूँ, फुट्टे से पूरा कर देता हूँ। ये मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी जगह छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि मैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में यही बताता हूं, मैं 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है यहां पे वो एक डॉटेड लगा देता हूं, लाइन यहां पे डॉटेड लाइन में लगा देता हूं। ये आपने यहां पे जगह छोड़नी है डॉटेड लाइन, जैसे मैंने पहले कहा सहायक रेखाएं होती है, ये आपके हेल्प के लिए। आगे की लाइन जो है वो मैं डार्क कर सकता हूँ इसको, ये हमने ये रेखा डार्क कर दी है, इसको मैं सही से लगा दूंगा। हमने क्या करना है, इसकी भुजा पूछी गई है 3 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है, ये हमारा फुट्टा है और मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर जो है वो, ये आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ये मैंने प्रकार खोल दी है, 3 सेंटीमीटर की भुजा जो है वो मैंने यहाँ पे काटनी है। यहां से मैं 3 सेंटीमीटर की भुजा काट दूंगा, ये देखिए बाकी जो लाइन है इसको मैं मिटा,
ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लाइन आ गई और ये मैंने 3 सेंटीमीटर फुटा से जो है ना वो नाप करके प्रकार खोली थी, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, तो मैं 3 सेंटीमीटर लाइन मैंने खोल रखी है, प्रकार खोल रखी है लाइन के बराबर, तो मैं यहाँ पे इसमें चाप लगा देता हूँ एक पॉइंट से, और इसका नाम मैं दे देता हूँ इसमें, ये नाम आपका है ए, इधर नाम है बी। आपने ध्यान रखना है जो आप सॉलिड ज्योमेट्री जब भी बनाएंगे, इसके जितने भी नाप है वो सारे आपके स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नाप, इसके नाम इसके नहीं आएंगे, सारे स्मॉल लेटर में इसके नाम आता है। इस तरह से मैंने बना दिया, जहाँ पे ये चापे मिल रही है ये पॉइंट सी आ जाएगा, और मुझे यहाँ पे सी से ए को मिलाना है, हमें सी से हमने बी को मिलाना है। अब हमने ये जो चाप है वो भी यहाँ पे मिटा देनी है, चापों का कोई काम नहीं है एक्चुअल में, इसमें एंगल के आधार पे ही हमने कार्य करना होता है, ये मैंने कार्य कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके जो है ये जो कोण है इनका हमने आधा करना है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जैसे हमारे 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी रेखा 3 सेंटीमीटर है, तो आपने 1.5 सेंटीमीटर में निशान लगा देना है, ये मैं यहां से नाप के बता देता हूँ आपको, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने 1.5 में यहाँ पे इस लाइन पे निशान लगा दिया, 1.5 सेंटीमीटर में ही मैं इस लाइन पे भी निशान लगा दूंगा, और 1.5 सेंटीमीटर में मैं इस लाइन पे भी निशान लगा दूंगा, ये मैं निशान लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, यहां से सी से ये जो निशान लगा ना, यहां तक मैं लाइन लगा देता हूँ, हल्की लाइन अभी लगाऊंगा, और इधर से इसको हम कहते हैं मध्येगा, इन जो रेखाओं का नाम है वो मध्येगा है, देखो मध्य में आ गई है, और ये जो पॉइंट आ गया ये आपका आ गया ओ, ये आपका जो सूची स्तंभ है, जो परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये कह रहा है कि जो आपका सूची स्तंभ तो हमारा बन गया है, ये हमारा इसका धरातल, ऊपर से हम देखेंगे तो इस तरह से ये आपका प्लान बना है, इसका एलिवेशन कैसे हमने तैयार करना है, ये कह रहा है कि इसकी हाइट हमारी है 5 सेंटीमीटर की, उसके लिए हमें फिर से हमें सेल्सियस की आवश्यकता है। तो हमने क्या करना है, सीधे आपने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, तो हमने ये आपका ओ है, सबसे पहले इसमें ओ का प्रोजेक्शन आएगा, तो ये देखिए 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन हमेशा लंब जो है 90 डिग्री पे आता है, तो हमने इस तरह से सर्च के लगाना है, और सबसे पहले हमने ये वाला जो लंब है वो हमने उठाना है यहाँ से डॉटेड, अभी सिर्फ हमने इसको ए बी रेखा तक उठाना है, और ये है ओ। अब हमने क्या करना है, जो आपका बी है, ये बी है, यहां से भी हमने ए बी तक जो है वो डॉटेड आपने इसको उठाना है, ये मैंने उठा दिया लंब, ये आपका आ गया। अब आपने ए, ये आपका ए है, और ये 90 डिग्री पे मैं यहां से देखो ये उठा देता हूं, यहां से ये मैंने उठा दिया, और हम सी का भी सी के बराबर उठा लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये जो रेखा है सिर्फ हमने सिर्फ अभी ए बी तक लगाई है। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने ये जो आपकी रेखा है ओ, ये जो रेखा है इसको हमने आगे बढ़ाना है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, और हमने इसको 5 सेंटीमीटर की दूरी तक काट देना है। अब मैं यहां पर 5 सेंटीमीटर नाप लेता हूं, ये आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर हाइट पे है। अब आपने क्या करना है, जो आपका ए कोण है, ये हमारा ए वाला जो आपका रेखा है ये हमारी डॉटेड आएगी। अब आप पूछ रहे सोच रहे होंगे और पूछना भी चाह रहे होंगे कि सर ये डॉटेड कैसे आ गई, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये जो आपके एंगल है
इसके जो कोण है ये बाहर को है, जब इसके प्रोजेक्शन हमने ए बी तक ले गए तो ये जो प्रोजेक्शन है इसके पीछे छुप गया, जैसे हमारा ये आपका है। तो जब आप यहाँ से ऐसे देखें, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इसको मान के चलिए ये आपका जो है वो बेस है शुंडाकार का। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, तो आपको पिछला कोणा नहीं दिखेगा, ये आपका छुप चुका है, जबकि मौजूद है, ये है जरूर, ये वाला कोना है जरूर, बट आप ऐसे देखो इसको, ये आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह से जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये हमारा छिप जाएगा, है जरूर, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लगाएंगे और यहाँ हम वो लगा देते हैं। अब देखिए ये आपका बेस है। मैं एक चीज़ यहाँ पे और एक क्लियर आपको कर देना चाहता हूँ, ये आपका ओ पॉइंट था, यहाँ अभी आपका ओ पॉइंट है, यही है। यहाँ पे इसमें एक इस तरह का निशान लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं यति, आपने ध्यान रखना है, ये इसका नाम है यति, इसको हम यति बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्शन आया था तो एक यति था, अब यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्शन आ गया तो दो यति हो गया, यहाँ पे इसको आपने दो यति लगा देना है। अब हमने जो है ये बी और ए वाला जो आपका पॉइंट है, यहाँ देखो ये भी सिंगल बी था, यहाँ पे भी बी पॉइंट है, तो यहाँ पे यति के साथ, यहाँ सी है, यहाँ सिंगल सी था, यहाँ डबल सी का ही प्रोजेक्शन आ गया, तो यहाँ पे सी यति के साथ हो गया। ये ए था, यहाँ ए है, ए यति के साथ, आपने ये ध्यान रखना है। और अब हमने इसको जो है वो डार्क मिलाना है सी के साथ, और ये बी जो है इसको भी हमने डार्क मिलाना है ओ के साथ। इस तरह से आपका प्रश्न जो है वो बनके तैयार हो गया है। तो सॉलिड ज्योमेट्री का ये हमारा प्रश्न नंबर है 16। सॉलिड ज्योमेट्री का दूसरा जो हमारा 10th क्लास का है प्रश्न नंबर 17, वर्गाकार शुंडाकार जो 3 सेंटीमीटर भुजा और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का है क्षितिज धरातल पर अपने आधार पर स्थित खड़ा है और एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाओ, का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ। ये वर्गाकार शुंडाकार है और ये हॉरिजॉन्टल प्लान पर आपके क्षितिज धरातल होता है हॉरिजॉन्टल प्लान, ये आपका 30 डिग्री पे एक्स वाई पे खड़ा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स वाई रेखा लेंगे, एक्स वाई लाइन है, इसका हमने प्लान और एलिवेशन बनाना है। ये कह रहा है कि ये बाईं ओर से 30 डिग्री पे है, तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सर्च करके एंगल करवाए थे, इसमें एक हमारे पास 30 डिग्री का कोण है, ये वाला, ये कोण हमारा 30 डिग्री का है। यहाँ से मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 30 डिग्री का एक लाइन लगा देता हूँ, इस तरह से इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और डॉटेड ही आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर एक डॉटेड रेखा चाहिए, तो मैं यहाँ से आगे इसको डॉटेड बढ़ाता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो है वो डॉटेड रेखा छोड़ देता हूँ, बाकी अगली जो रेखा है वो इसको मैं डार्क कर दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने भी 1 सेंटीमीटर ही छोड़ना है, आप ज़्यादा कम छोड़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपके अध्यापक आपको जैसे करवा रहे आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करता हूं कि मैं यहां पे 1 सेंटीमीटर, ये फिक्स हो जाता है। फिर 9th के लिए आपको ये नहीं रहता कि सर यहां कितनी लाइन छोड़े, ज़्यादा छोड़ दे, कम छोड़ दे, या किस प्रश्न में कितनी छोड़े, सब में मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही छोड़वाता हूं, चाहे जितना भी है 1 सेंटीमीटर आप रेखा छोड़ दीजिए। ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया है, तो इसकी भुजा जो है वो है 3 सेंटीमीटर। अब हमने 3 सेंटीमीटर पर कार खोलनी है, ये मैंने जो पहले आपको 16 नंबर करवाया था उसमें भी 3 सेंटीमीटर था, तो ये देखो पहले ही मेरे पास 3 सेंटीमीटर की जो है वो प्रकार खुली है। हमने ये वर्ग है, तो वर्ग कैसे बनेगा आप देखिए, यहाँ से ये देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी है, ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसके मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका है ए और ये आपका है डी, जो बुक में दिया हुआ है मैं वही नाम दे रहा हूँ, फालतू की लाइन को मैं मिटा देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमने 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं तभी हम जो है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 90 डिग्री के कोण हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए,
वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं। अब ये देख सकते हैं ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, सेस्केयर जो हमारा है, सेस्केयर के आधार पे ही मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि सेस्केयर का इसमें विशेष रोल रहता है इन कोणों को बनाने में। ये देखिए मैं यहाँ से एक रेखा ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये मैं नाप भी लेता हूँ साथ साथ। ये देखिए यहाँ पे सेस्केयर में नापने के लिए है, ये देखिए, और यहाँ पे भी मेरे पास रेखा है और मैं इसको भी यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन पर लगा लेता हूँ। सेस्केयर से अगर कार्य करेंगे तो आपका कार्य काफ़ी हल्का रहेगा, और यदि आप डी से करते, देखिए यहाँ पे, देखिए ये 3 सेंटीमीटर आ गया है, आप इसको देख सकते हैं ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और मैं इसको मिला देता हूँ। ये आपका वर्ग बन के तैयार हो गया है। अब ये वर्ग शुंडाकार है, शुंडाकार है, इसके जो कॉर्नर है वो आपके डार्क मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपका सेंटर आ रहा है ये है इस शुंडाकार की ऊंचाई। अभी आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये इसका प्लान बन के तैयार हो गया है। ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैसे इसके प्रोजेक्शन ले सकते हैं, इसमें भी मैं सारे प्रोजेक्शन पहले जो है वो ए बी रेखा तक ही लूंगा। मैं पहले डी का ले लेता हूँ, अब मैं सिस्टम से शुरू से करता हूँ इसी तरह से। ये देखिए मैंने डी का ले लिया प्रोजेक्शन, और यहाँ मैं डी, ये जो है डी है ये यति के साथ है, क्योंकि एक ये डी था और दूसरा डी आ गया तो ये यति के साथ ही आएगा। अब अगला जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये जो पॉइंट आपका है, इस पॉइंट का नाम है सी और इसका नाम है डी। तो आपने क्या करना है, सी का प्रोजेक्शन हमारा आएगा सी तक, मैं यहाँ पे सर्कल अपना लेके आऊँगा और यहाँ से मैं डॉटेड लाइन लगा दूंगा। यदि आपके अध्यापक ने आपको कोई और तरीका बताया है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मेरा जो तरीका वो यही है, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ अपने बच्चों को, मैं इसी तरीके से करवाता हूँ। ये आपका ओ है और ये यति के साथ है। अगला जो आपका है ये प्रोजेक्शन एक आएगा, ये आप इस तरह से देख सकते हैं, और इस तरह से आपने बनाना है, ये ए यति के साथ है। इस तरह से हम ये सारे प्रोजेक्शन हमने अपने ले लिए हैं। ये आपका बी है और ये हमारा यति के साथ है। अब ये सूची स्तंभ है तो हमने इसका सेंटर पहले उठाना है, ये हमारा सेंटर है, इसको मैं उठा लेता हूँ, और ये 5 सेंटीमीटर तक है, इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसी के से ही नाप रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं सेस्केयर से ही नाप रहा हूँ, और ये मैं इसको डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये देखिए ये, और ये 5 सेंटीमीटर है। मैं इसको अलग से फुट्टे से भी आपको नाप के बता देता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, और ये यति के साथ है, यति के साथ है, और यहाँ हम जो है वो यति लगाएंगे। और अब आपने क्या करना है, ये ओ है, अब आपने क्या करना है, इसकी जो प्रोजेक्शन है जो है वो आपने लगाने हैं। डार्क कौन कौन सी लाइनें आएगी हमारी, एक ही आएगी, एक ही आएगी और एक ही आएगी, ये तीन जो प्रोजेक्शन है वो हमारे डार्क आएंगे, बाकी हमारा ये जो प्रोजेक्शन है वो हमारा डॉटेड रहेगा। और ओ तो हमारा डॉटेड है ही, ये तो डॉटेड ही रहेगा, ये तो आपका बीच का है, तो मैं पहले डॉटेड लगा लेता हूँ ए को। आप देख सकते हैं, और जो हमारा ये बी है ये भी डार्क आएगा, ये बाहर का कॉर्नर है और ये दिख रहा है। आपका सी है, सी आपका डार्क आएगा, और जो आपका डी है ये भी आपका डार्क ही आएगा, ये देखिए। इस तरह से ये हमारा जो वर्ग वर्गाकार शुंडाकार है वो बनके तैयार होगा। ये प्रश्न नंबर 17, इस तरह से आपने सॉलिड ज्योमेट्री के प्रश्न जो है वो बनाने। यदि आपको कोई बनाने में उलझन आ रही है या आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।